इस बात का ऐलान मैं पहले ही कर चुका हूं कि रोहित शेट्टी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक फिल्म आ रही है जिसमें फारा खान डायरेक्टर हैं। फारा खान इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। फीमेल डायरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इक्का दुक्का ऐसी फिल्म डायरेक्टर्स हैं जो कि फुल ऑन कमर्शियल टाइप की फिल्में बनाती हैं, राइट? और ऐसे में फारा खान का नाम सबसे ऊपर आता है। फारा खान की फिल्म ले लीजिए, मैं हूं ना, ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर ले लीजिए, 30 मार खान, ऑल आर लाइक टोटली कमर्शियल मसाला बेस्ड फिल्म। ऐसे में जब वो मसाला बेस्ड किंग यानी कि रोहित शेट्टी के प्रोडक्शन हाउस वाले फिल्म बनाएंगी तो डेफिनेटली वो भी फुल मसाला होगा। खैर ये है बात पुरानी, लेकिन नई बात ये है इसमें कि किंग ऑफ रोमांस शाहरुख सर और दीपिका पादुकोण हो सकती हैं इस फिल्म के अंदर। वेल, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जितनी भी आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स या फिर आप सोशल मीडिया रिपोर्ट्स, सारी रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो यही चीजें हैं कि फारा खान फिर से ओम शांति ओम की जोड़ी को ऑन स्क्रीन लाना चाहती हैं। जी हाँ, फारा खान जो है वो आजकल काफी ज्यादा सर्च ऑन कर रही हैं चीजों को लेकर, एक्टर कौन होगा, एक्ट्रेस कौन होगी, ये वो वगैरह वगैरह। और इनसाइड जो सोर्सेज की खबर आ रही है और मीडिया रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर में भी ये बात छप गई है कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण एक बार फिर से आएंगे फारा खान की फिल्म में। फारा के साथ शाहरुख खान 3 फिल्म कर चुके हैं और वहीं दीपिका पादुकोण, मतलब दीपिका, फारा और ये जो है ये जोड़ी, ये बहुत ज्यादा सुपरहिट जोड़ी है। वहीं रोहित शेट्टी के साथ शाहरुख खान 2 फिल्में कर चुके हैं। लेट्स सी, ऑफिशियल जो कंफर्मेशन आएगा मैं राहुल भोज आपको तुरंत अपडेट करूंगा, लेकिन अभी तक के लिए तो यही खबरें आ रही हैं। आपको क्या है कहना कि क्या फारा, शाहरुख एंड दीपिका पादुकोण को एक साथ देखने के लिए आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं? बोल दीजिए सारी बातें और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं अपडेट राहुल भोज करता रहूंगा।